अभी हॉस्पिटल में जाके बोला था माय नेम इज डॉक्टर। अरे डॉक्टर है डॉक्टर, बहुत गंदा बनाया है, बढ़िया लग रही है, एकदम चुड़ैल लग रही है मतलब। तो मैं अभी, मेरी जोरहाट से कोलकाता की फ्लाइट थी एंड कोलकाता से मेरी नागपुर तक की है, तो अभी मैं कोलकाता में पहुंच गई हूँ। यहाँ पे मेरी 5 घंटे का लेओवर है, देन उसके बाद मेरी नागपुर में पहुंचूंगी मैं 11 बजे के पास। तो कल मेरा फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड ईयर है, तो थोड़ी एक्साइटमेंट भी है और थोड़ी घबराहट भी हो रही है, बिकॉज बहुत दिनों बाद कॉलेज आऊँगी और इतनी ज़्यादा, हम लोग अभी, मैं 10 बजे के पास उठती थी तो ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे उठूँगी सुबह 7 बजे, क्योंकि 8 बजे सुबह क्लास है। पहले 9 बजे होती थी, अब 8 बजे क्लास है। और फिर अभी एक्साइटमेंट इसलिए है बिकॉज अब हमारी पोस्टिंग स्टार्ट हो रही है, तो हमें वार्ड में जाके लाइक डॉक्टर्स के साथ रहेंगे, तो लाइक असली डॉक्टर वाली फीलिंग कल आने वाली है। इससे पहले हम सिर्फ क्लासेस अटेंड करते थे और पढ़ते रहते थे, तो उतना नहीं पता चलता था, बट अभी हम लोग पोस्टिंग लगेगी हमारी, तो ज़्यादा मज़ा आएगा, तो इसलिए थोड़ी एक्साइटमेंट भी है। The next day. कॉम्पिटिशन है, फेल करके क्या ही मिलेगा, पढ़ाई करो, फोकस से पढ़ाई। देखो कौन नहीं पहचानता, कौन पहचानता है? माय नेम इज खान, सलमान खान। अभी हॉस्पिटल में नहीं साला, अभी हॉस्पिटल में जाके बोला था माय नेम इज डॉक्टर। अरे डॉक्टर है डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर, कहां बन गई तू डॉक्टर? डॉक्टर बोले तो फिर कहां बन जाते, अपन खुद बिलीव नहीं करेंगे, तब तक पेशेंट कैसे बिलीव करेंगे? दिस इज वो क्या खुद के लिए बताया कि हां स्टूडेंट है ऐसे करके बोल रहा है। तो आज हमने हिस्ट्री ली पेशेंट्स की, पहला दिन ही था तो हमें भी नहीं पता था कैसे लेना है एग्जैक्टली, बट हमने थोड़ा सा रिसर्च करके पेशेंट्स के पास गए और उनको लगा हम डॉक्टर हैं, और फिर हमने उनसे बातें करी। मैं जितने पेशेंट्स के पास गई थी सबको हार्ट की प्रॉब्लम थी, एक को 2 बार हार्ट अटैक आया था और एक को पहले ऑपरेशन हो चुका है हार्ट का, तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो एक जिसके पास गए थे जिनको 2 बार हार्ट अटैक हो चुका है, उनका मतलब अभी वापस हुआ था, हार्ट में पेन था, और जो तुम लोग पढ़ते हो शोल्डर्स में जो रेफर्ड पेन होता है एंजाइना पेक्टोरिस का, वो था उनको। तो मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं अब उसको हम लोग लाइव एग्जांपल ऐसे देख रहे हैं कि कैसे क्या क्या होता है ऐसे करके। तो अच्छा लगा थोड़ा सा पेशेंट से बात करके, थोड़ा लाइक प्रैक्टिकल चीज़ें देख के, तो एक्साइटमेंट में हम लोग सब लोग ऐसे ही चले गए, मतलब फिर बोला नहीं था, हम लोग ऐसे ही फ्री था, पीरियड था, हमने सोचा हिस्ट्री टेकिंग सीखते हैं क्योंकि कल ही हमें सिखा दिया कि हिस्ट्री कैसे लेनी है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो वही हम कर रहे थे। हेल्दी फूड विद स्प्राउट्स एंड गाजर एंड फली। समझ कर तेरा बेचारा नया फोन है। अलमारी बहुत बुरी हो रखी है। ये सब कुछ, तो सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है आज, बहुत सारी चीज़ें। ये टेबल मेरी पूरी फैली हुई है, इसको मुझे पूरा साफ करना है, अपना अलमारी पूरी साफ करना है, सारे कपड़े एकदम बुरी तरीके से फैले हुए, मैं दिखाती हूँ अभी। सो दिस इज़ माई अलमीरा, तो ये पूरी भरी पड़ी है कपड़ों से, इसको मेरे को पूरा ऑर्गनाइज करना ताकि मैं सुबह सूट ढूंढ पाऊँ। फिर इसको मैंने पूरा खाली किया, पूरा भरा हुआ था लंच में आके, मैंने इसको खाली किया, नीचे से भी भरा हुआ है। सो इसको सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है मुझे आज। 2000 years later. क्या हुआ है? अपनी हम रख रहे हैं तुम लोग। ये है निकिता सिंगल, मोदी की बहन बना रही है मुझे। सब कुछ बन चुका है, बस इसमें अब बाल ऐड करने हैं।
लाल थोड़े मोटे अंडे जैसा, इतनी बड़ी चिन्ह नहीं है मेरी, है इतनी बड़ी नहीं है मैं, और नाक भी इतनी बड़ी नहीं है। सो मैं रेडी हूँ, बन के तैयार। हे भगवान, नाक छोटी कर, यहाँ से एक जगह से फुली हुई, एक जगह से बहुत पतली है। अरे होल हो गया, पर चीन भी छोटी कर, इतनी लंबी नहीं है। जो जैसा है वो वैसा है, भगवान ने बनाया है। इसकी शक्ल देख लो, ये भी मेरी डुप्लीकेट कॉपी है ना? लेकिन स्टिल आई डोंट लुक लाइक दिस। जी यार, बहुत गंदा बनाया है, बढ़िया लग रही है, एकदम चुड़ैल लग रही है, मतलब मस्त लग रही है। मेरे को पीछे से पता नहीं चला, मैंने सामने से देखा, बहुत गंदा लग रहा है। सेव दिस।